हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फिनेंशियल बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी है, ओके। उसमें 365 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने। कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, मैंने उसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स उसके थोड़े से एनालाइज करे हैं। तो आप उसनी स्टडी करके उसे कब तक खरीद सकते हैं, कब जिसका फ़ायदा आपको मिल सके, तो उस वीडियो को जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर आई बटन पर लिंक भी दे दूंगा, ओके। और आपको हम मेरी वीडियो सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एज वेल एज बात करें इस शेयर में, तो जैसे कि IRCTC से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। IRCTC जो शेयर है हमारा, ओके, हमने काफ़ी शेयर खरीदे हुए हैं ऑलरेडी, और हमने 1400 के आसपास खरीदा था। उसके बाद 2000 के लेवल पर गया था, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है, और कई लोग 2000 के लेवल पर भी फंसे हुए हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए एज वेल एज हमें क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करते हैं, और कितना वो अभी और गिर सकता है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फिनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और एक आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, दूसरे लोगों के से शेयर करें, ओके, ताकि हमारी फैमिली क्रिएट हो सके, ताकि हम एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज एक्सचेंज कर सके। क्योंकि अकेले पैसे कमाने में कोई मज़ा नहीं है। अब जब आप दूसरों को भी साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, एज वेल एज लोग आपका उपकार भी मानेंगे। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिले हैं, दिए गए हैं। अगर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप मार्केट में नए हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। एज वेल एज एक और लिंक है, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है, ओके। और उस मंदिर को बनाने में आप मैं सबकी हेल्प की ज़रूरत है, पूरे भारतवासियों की। तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी दान दे सके, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, वो आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दे सकते हैं। और दान देने से पैसा कभी घटता नहीं है, हमेशा याद रखना, हमेशा पैसा बढ़ता है। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, IRCTC, तो IRCTC देखिए, आज मार्केट गिरी हुई थी, मार्केट गिरी थी तो ये भी शेयर गिरा था, ओके। और इस शेयर के लिए और दो तीन पर्टिकुलर और शेयर्स हैं, उनके लिए ये एडवर्स न्यूज़ थी, जिस वजह से यहाँ पर शेयर गिरता हुआ नजर आया। और बीच में तो ये शेयर अगर बात करें 1680 तक, मतलब 1680 रुपये तक ये गिर गया था, फिर उसके बाद अच्छी खासी जंप लगाई थी, बट लास्ट में फिर दोबारा थोड़ा बहुत हमें गिरता हुआ नजर आया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं, ये चार्ट इस कंपनी को आए हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ओके। 2 साल भी इसने कंप्लीट नहीं करे हैं। बीच में देखिए OFS नहीं आया था, तो OFS की वजह से यहाँ पर ये शेयर बढ़ नहीं रहा था। OFS आ गया, OFS के बाद बढ़ा, बट इसके बाद एडवर्स न्यूज़ आने लग गई, ओके। उसके बाद ये शेयर गिरता गिरता जा रहा है, और कितना गिरेगा उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 अप्रैल को 1000 रुपये का शेयर अप पे आ गया था। 52 वीक हाई की बात करें तो देखिए, 9 मार्च को ही इसी महीने, सॉरी लास्ट महीने, 2073 रुपये पे शेयर आया था। अगर बात करें यहाँ पर 36% की डिलीवरी बेसिस पे आज की डेट में शेयर खरीदे गए हैं, ओके, डिलीवरी बेसिस पे। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें ना, तो अभी देखिए 67% के प्रमोटर जो कि गवर्नमेंट है उनके पास है। और बाकी बात करें डिविडेंड की, कंपनी देखिए 2 बार डिविडेंड 2020 में दे चुकी है, और अभी इसके रिजल्ट आने वाले हैं, फिर दोबारा शायद हमें डिविडेंड देखने को मिले, ओके। और कोई भी शेयर इनका गिर भी नहीं है। तो इन सारे फैक्टरों पर हमें ध्यान देना होगा, एज वेल एज फाइनेंशियल्स की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल मिड लार्ज कैप कंपनी 28,000 करोड़ की, और ROCE सबसे ज़्यादा बेहतरीन है 62% का। और यहाँ बात करें करंट प्राइस की, जो 1752 मतलब 1700 रुपये के आसपास ये शेयर यहाँ पर चल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें, 993 की इंट्रेंसिक वैल्यू है, जो कि अभी की डेट में कोई मायने नहीं रखती। मैं आपको फाइनेंशियल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक कंपनी आपने कैसी चूज़ करी है पहले आपको वो अंदाजा आ जाए। तो सेल्स की अगर बात करें, सेल्स हमें हमेशा बढ़ती हुई नज़र आई है, बट इस क्वार्टर, इस ईयर में अगर बात करें तो आपको पता ही है पेंडामिक की वजह से सेल यहाँ पर डप हो गए थे। बट अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सेल्स कंटिन्यूसली अब दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है। सेप्टेम्बर के बाद दिसंबर में अच्छे खासे रिजल्ट आए, और दिसंबर के बाद अभी दोबारा रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेनें दोबारा चलनी शुरू हो गई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं 78 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट, जो कि घाटे में था यहाँ पर अगर बात करें जून में, अभी प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे ही बात करें, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, इतना भी बैड परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हम बात देखें और प्रॉफिट भी देखें तो 237 करोड़ रुपये का प्रॉफिट है, जो कि ठीक ठाक है, ओके,
तब और जब कोविड का यहाँ पर इम्पैक्ट था, उसके बावजूद अगर इतना प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी कुछ ना कुछ अपने आप में रखती है, रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, डेट फ्री कंपनी है, कैश कंपनी के पास अच्छा खासा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, FIIs के पास देखिए 8% की हिस्सेदारी है, DIIs की बात करें 7% की, पब्लिक की बात करें 16% की, तो देखिए सबके पास अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। FIIs, DIIs, पब्लिक, गवर्नमेंट सबके पास इसकी हिस्सेदारी है, तो ये शेयर गिर क्यों रहा है तो आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लॉकडाउन अगर हम बात करें, यहाँ पर लॉकडाउन की न्यूज़ आई है, और अगर बात करें लास्ट कल के दिन ही यहाँ पर लगभग 1 लाख, जो पिछले अभी तक जो ग्राफ नहीं था ना, अभी तक जो अगर बात करें कोविड का ग्राफ था, अभी पिछले जब हमारा लॉकडाउन लगा था लास्ट ईयर 2020 में, तब भी इतने केसेस नहीं आए थे, बट लास्ट डे में हमारे पास 1 लाख भी क्रॉस कर गया है ये केसेस। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी प्लेसेस में, या कह सकते हैं मुंबई और महाराष्ट्र में, यहाँ पर लॉकडाउन लगते हुआ नज़र आ रहा है, और कई काफ़ी जगह पर नाइट कर्फ्यू लगता हुआ आ रहा है। तो इससे क्या IRCTC पे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखिए IRCTC पे इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा, और आज न्यूज़ की वजह से ही गिरता हुआ नजर आया। तो न्यूज़ क्या थी, देखिए कुछ दो तीन दिन पहले ही न्यूज़ आई है क्या, कि IRCTC जो अहमदाबाद टू मुंबई यहाँ पर जो तेजस ट्रेन थी, वो यहाँ पर कैंसिल करती हुई, सस्पेंड करती हुई टेम्परेली, जो कि 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस वजह से यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है। एज वेल एज बात की जाए तो यहाँ पर अच्छी खबर भी है, कि अच्छी खबर क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अप्रैल से शुरू हो रही है 71 खास ट्रेनें, तो आज है 5 अप्रैल, तो आज के दिन में 71 ट्रेनें और ज़्यादा चली है। और धीरे धीरे ये ट्रेनें और ज़्यादा चलनी चलनी शुरू हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी डरिए मत ना इस शेयर में, यहाँ पर जो प्रॉफिट बुक हो रही है, तो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो ऑपरेटर है आपसे ये शेयर निकलवाना चाहते हैं, और भी नीचे ला सकते हैं, तो आप भूल के अगर एक बार बेच देंगे ना, फिर यहाँ पर जो अभी क्वांटिटी यहाँ पर दिख रही है ना आपको, इतनी क्वांटिटी रहेगी नहीं, आपको इस क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड होता हुआ यहाँ पर दिखेगा ही नहीं, और फिर यहाँ पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट में खेल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बताना चाहता हूँ ऐसी कंपनीज़ में निकलना नहीं होता, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होता है। और वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि अगर अपने पोर्टफोलियो को 50% डाउन नहीं देख सकते तो मार्केट इज़ नॉट मेड फॉर यू, तो आपके लिए मार्केट बनी नहीं है, तो आप ऐसे में इन्वेस्ट करिए मत, मार्केट से एग्जिट हो जाइए। बट अगर आप इसे को देख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को आधा देख सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा, जितने भी अगर किसी ने 2-3 लाख रुपए भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होंगे ना IRCTC से, तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 साल में 1 CR तक तो होने की उम्मीद मुझे लग रही है। 1 CR भी नहीं हुए, 50 लाख भी हो गए या फिर 20-35 लाख भी हो गए, तो आपको अच्छे खासे यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसी कंपनी में ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छे खासे फाइनेंशियल्स है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, और अगर यहाँ पर बात करें कंपनी कितना गिर सकती है, तो कंपनी देखिए इस लेवल पर अभी चल रही है, और जो मुझे लगता है ना कंपनी कितना और गिर सकती है, तो कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बात करें 1612 रुपये, 1612 रुपये तक, मतलब 1600 रुपये के आसपास ये कंपनी आके और ज़्यादा गिर सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसी कंपनी में अभी और इन्वेस्ट करना चाहिए, और नीचे आ जाता है यहाँ पर ये शेयर तो आप और खरीदिए, आप जितना खरीदेंगे आपको ऐसे लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो 1600 रुपये तक का लेवल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, अगर और भी ज़्यादा गिरती है, बट यहाँ से मुझे लगता है कि एक आध दिन में दोबारा बाउंस बैक करेगा, और ये 2000 रुपये अपने रिजल्ट के टाइम तक, जो कि आने वाला है अभी 1 से 2 महीने के अंदर अंदर, अप्रैल में या फिर मई में आ जाएगा, तो जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर ये जो इसका लेवल है 2000 रुपये का, इसे क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए बेचने की गलती मत करिए, ऊपर से बेच दिया तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर खरीद सकते हैं, बाकी अब यहाँ और गिरता है तो और अपने पोर्टफोलियो में आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो यही सारी न्यूज़ थी, इसी की वजह से यहाँ पर शेयर गिर रहा था, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, IRCTC बहुत बेहतरीन शेयर है। और बात करें RSI की, तो 41 के RSI पे यहाँ पर आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, और थोड़ा बहुत ही ज़्यादा गिर सकता है, इसके बाद ज़्यादा और नहीं गिर सकता। तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है, शेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है कंपनी। अभी तक भी अगर जिसने IPO में भी इन्वेस्ट किया होगा, उसने तो लगभग डबल और ट्रिपल पैसे कमाए हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो हम आपके पास डेली बेसिस पर लाते रहे और फौरन तौर पर आपको अपडेट मिल जाए, इसलिए बेल आइकन पर हिट करिए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।